Guys, am I audible to everyone? यस भैया अच्छा जैम बोर्ड दिख रहा है ना सबको? इज द जैम बोर्ड विजिबल? यस भैया विजिबल। ऑल राइट लेट्स स्टार्ट। तो देखो वी आर स्टार्टिंग विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल राइट, देखो एक चीज हम सभी को पता है कि हर एक जगह पे, हर एक इंसान में या फिर हर एक इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम का पार्ट रहता ही रहता है विच इज हेल्पिंग द सिस्टम वर्क एफिशिएंटली। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि एक कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम डेफिनेटली होता है विच इज coordinating each and everything related to that individual or person. All right. So, वैसे ही when we talk about computer, all right, it can be any system. It can be a simple calculator as well. ठीक है, एक calculator भी होता है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई दिमाग काम कर रहा होता है. All right. Which helps the system to work very efficiently. It is nothing but an operating system. For example, तुम अपने किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे माउस भी यूज कर रहे हो, कीबोर्ड भी यूज कर रहे हो, एवरीथिंग यू आर यूजिंग वेरियस पार्ट्स। ऑलराइट, तो ऐसा क्या चीज है जो हर एक मतलब यूनिट को इन कोऑर्डिनेशन काम करने में मदद कर रहा है? What is that? It is nothing but operating system. Sometimes it is taking बहुत ही कम टाइम में वो हर एक काम कर रहा है. ठीक है, जैसे कि तुमने कीबोर्ड पे एज दबाया तो इट ऑटोमेटिकली कम्स एंड इट इज शोन ऑन द स्क्रीन. ठीक है, बहुत ही कम टाइम में ये वो काम परफॉर्म कर रहा है. और एट द वेरी सेम टाइम यू आर ऑल्सो मूविंग योर माउस पॉइंटर एंड क्लिकिंग हियर एंड देयर ऑन द सिस्टम. ठीक है, तो ये भी बहुत ही कम टाइम में, मतलब कभी कभी सिंगल टास्किंग कर रहा है, कभी कभी मल्टी टास्किंग कर रहा है. तो हाउ इज इट डूइंग दैट? It is doing that with the help of nothing but the operating system. For example, जैसे कि मान लो कि तुमने किसी चीज को डाउनलोडिंग पे बिठा दिया है, ठीक है, या put something on the downloading part. वो automatically download हो रहा है and at the same time you are watching a video on your computer system. So how is it done? मतलब ये कैसे काम कर रहा है? इतना सब कुछ मल्टीटास्किंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. हाउ इट इज डूइंग सो मच थिंग्स एट अ सिंगल टाइम? इट इज डूइंग दैट विद द हेल्प ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑलराइट, जैसे कि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो आया इट वाज आई थिंक यूनिक्स. ठीक है, यूनिक्स वाज यूज्ड इन इंटेल प्रोसेसर्स. ठीक है, जीरोक्स नाम का जो कंपनी आया उसने कॉपी मतलब फोटोकॉपी निकालना स्टार्ट किया, उसके पीछे भी कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा था. तो ऐसे ऐसे द रेवोल्यूशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कंटिन्यूड. वी गॉट वेरियस एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम. यूनिक्स आया, एमएस डॉस आया, मैक आया, ऐसे का लिनक्स आया. देर आर वेरियस सिस्टम्स, मतलब जैसे जिसका नीड है वो वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है. ठीक है, when you need to, for example, when you are coding in your college, you are using Ubuntu, where you are coding in Linux. When you are doing something else, which is necessarily have to be done in means in Windows, that time you are using Windows. So with time, there have been a lot of evolution of the operating system. So being a computer science engineer, I can tell you that the part which you will enjoy the most is the operating system. All right, so this subject is very matlab interesting as well as very important for a person who is studying computer science engineering, because you have to learn about the thing which is coordinating each and every process and schedules which is taking part in your system. So let's see how it goes on. All right, so itna sabko clear ho gaya na? मतलब जितना मैंने अभी तक बोला, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन, क्योंकि उतना कुछ हाई फाई मैंने बताया नहीं. क्लियर है ना सबको? यस सर नो? यस भैया. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर प्रोसेसेस. ऑलराइट,
व्हाट आर देखो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। जैसे कि तुम लोग जानते हो, मेरे पास जैसे जैसे प्रोसेसेस आते रहेंगे उनको मैं प्रोसेसेस, उन सारे प्रोसेसेस को मैं एक एक करके वेरियस प्रोसेस, हर एक प्रोसेस को अलग अलग से मैं क्या करूंगा, उसको ठीक तरीके से एफिशिएंटली मैं सिस्टम में डालूंगा और उनसे जो टास्क एक्सपेक्ट करता हूं वो करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो द फर्स्ट मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, द फर्स्ट प्रोसेस मींस मेथड विथ विच वी कैन अंडरस्टैंड वेरियस प्रोसेस स्टेट्स इज सिंगल टास्किंग सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल एमएस डॉस। तो अभी बहुत ही सिंपल है इसका फंक्शन, ठीक है, एक कोई प्रोसेस है, ठीक है, कोई भी काम है जो सीपीयू पे आके रुका है और तुमको उसको क्या कराना है, कंप्लीट कराना है। तो अगर ये सिंगल टास्किंग सिस्टम का कोई प्रोसेस है तो हाउ वी विल गेट इट डन, सपोज मान लो ये एक न्यू प्रोसेस है, वो सिंपली मैं उसको मेमोरी में भेज दूंगा, आई हैव सेंट इट सिंपली टू द मेमोरी एंड आई विल गेट इट फिनिश्ड। सिंपल प्रोसेस था, मैंने उस प्रोसेस को उठाया, उसको मैंने मेमोरी में भेजा और अपने काम को कंप्लीट कर दिया। दिस इज नथिंग बट सिंगल टास्किंग सिस्टम। ऑलराइट, अभी मान लो कि मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम है जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है, उसको हम लोग फाइव स्टेट मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, मान लो कि तुम्हारे पास एक नया प्रोसेस आया, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऑलराइट, देयर इज अ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मान लो तुम्हारे पास एक नया प्रोसेस आया जिसको मैं बोला न्यू प्रोसेस, दिस इज अ न्यू प्रोसेस। दिस न्यू प्रोसेस गोज टू द रेडी स्टेट। रेडी स्टेट मतलब एग्जीक्यूट होने से पहले, व्हेन यू आर रेडी टू गेट द प्रोसेस एग्जीक्यूटेड। ऑलराइट, ठीक है, उसके बाद ये कहां जाता है, रनिंग स्टेट में, जहां पे प्रोसेस को क्या किया जाता है, रन किया जाता है, द प्रोसेस गेट्स रन्ड इन द सिस्टम, और उसके बाद क्या होता है, ये प्रोसेस होता है फिनिश, दिस प्रोसेस गेट्स फिनिश। ऑलराइट, अभी रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट ये जाएगा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, प्रोसेस को डिस्पैच कर दिया, जैसे कहते हैं ना कि आई हैव डिस्पैच्ड द पार्सल, तो मैंने इस प्रोसेस को रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में क्या किया, डिस्पैच कर दिया। ठीक है, बट ऐसा भी तो हो सकता है आफ्टर गेटिंग रन वो प्रोसेस किसी कारण के वजह से उस प्रोसेस को मुझे रोकना पड़ गया, कोई और इंपॉर्टेंट प्रोसेस मेरे पास आ गया। ऑलराइट, एट दैट टाइम दिस विल बी from the running state it will be entering into a waiting state। kuch der beta tum wait kar lo, abhi aur koi important process aa gaya hai, tum abhi wait kar lo, uske baad fir hum log tumko ready state mein bhej denge, wahan se fir apne aap ko run kar lena। theek hai, aur ye kaise jata hai running state se waiting state mein, with the help of an input output request। all right, और ये रन वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में कैसे जाता है, विद एन आईओ, व्हेन इट हैपेंस दैट इट मूव्स फ्रॉम द वेटिंग स्टेट टू रेडी स्टेट वी कॉल इट आईओ कंप्लीट। ये हो गया क्या, इसका इनपुट आउटपुट बाउंड जो है वो हो गया कंप्लीट। सो यू कैन सी क्लियरली कि यहाँ पे टोटल 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, 5 स्टेट्स यूज कर रहे हैं हम लोग। पहले न्यू से रेडी जाएंगे, पहले एक नया प्रोसेस आया जो रेडी स्टेट में गया, जहां पे वो मतलब मार्क पे था, तो होता है ना ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो, उस स्टेट में गया, रेडी स्टेट में गया, उसके बाद वो डिस्पैच हुआ, फिर वो रनिंग स्टेट में गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो डायरेक्टली रनिंग स्टेट में गया, कंप्लीट होके फिनिश हो गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब वो रनिंग स्टेट में मतलब अपना प्रोसेस को प्रोसेस, वो जो प्रोसेस जब प्रोसेसिंग हो रहा था अपने प्रोसेसर में, उसी टाइम पे कोई इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसेस आ गया, तो इस बेचारे का प्रायोरिटी उस काम को कंप्लीट करने से कम था, तो इस बेचारे को मैंने भेज दिया वेटिंग स्टेट में विद आईओ बाउंड रिक्वेस्ट। और जब मेरा मतलब अभी उसका फिर से टाइम आ गया, फिर वो वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट चला गया, उसके बाद वो फिर रनिंग होके फिनिश हो गया।
ठीक है. सो दिस इज द बेसिक मॉडल बिहाइंड मल्टी प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम, और यू कैन कॉल इट फाइव स्टेट मॉडल बिकॉज फाइव स्टेट्स हैव बीन यूज्ड ओवर हियर. और एक चीज हो सकता है कि मान लो तुम कोई काम कर रहे हो और बीच में ही तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन टूट जाता है, एट दैट टाइम तुम्हारा डाउनलोडिंग मान लो बंद हो गया, तो क्या हो गया ये फिर क्या होगा, रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में चला जाएगा, और इसको हम लोग कह देंगे क्या, टाइम आउट. इसका प्रोसेस हैज गॉट टाइम्ड आउट. बहुत टाइम पे अपने पास ये मैसेज आ जाता है ना कंप्यूटर में कि योर प्रोसेस हैज बीन टाइम्ड आउट. ऑलराइट, सो दिस हैज बीन द टोटल बंडा बिहाइंड द मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम. समझ में आया सबको, सिंगल टास्किंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के बीच का डिफरेंस, यस और नो, जल्दी से बता दो. Yes, भैया. सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट वाउट नहीं है ना. चलो लेट्स मूव आगे बढ़ते हैं. ये हो गया सिंगल टास्किंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम. ये है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम विथ फाइव मॉडल स्टेट्स और फाइव स्टेट मॉडल. अब और एक है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम विथ सेवन स्टेट मॉडल, उसको समझते हैं. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम किसी भी ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लो यूनिवर्सिटी लेवल का, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास पक्का से पक्का आएगा ही आएगा, सेवन स्टेट मॉडल. तो इसको समझते हैं, सेवन स्टेट मतलब इसके पास टोटल कितने स्टेट्स होंगे, सेवन स्टेट्स होंगे. तो लेट्स सी वो कैसे काम करता है. ठीक है, तो ये अपना वर्ड है सेवन स्टेट मॉडल. एक काम करना, नोट्स बनाते रहना अपने हाथों से, तो फिर बाद में काम आएगा. ठीक है, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसके बाद हम लोग बहुत सारे प्रोसेसेस सीखेंगे. ठीक है, जिसमें बहुत सारे टेबल्स वगैरह होंगे, तो यू शुड मेक नोट्स. नोट्स बना रहे हो कि नहीं, नोट्स बनाओ यार, अगर नहीं बना रहे हो तो देन मेक इट. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सेवन स्टेट मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम. देखो सेवन स्टेट, एक तो बहुत इजी बन गया कि ये अभी तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, एक नया प्रोसेस आया, उसको मैं न्यू से कहां भेजा, रेडी में भेजा, रेडी से वो रनिंग स्टेट में गया. दिस इज द रनिंग स्टेट, ये रनिंग स्टेट में गया, और रनिंग स्टेट से ये जाके हो गया क्या, फिनिश्ड, इट गेट्स फिनिश्ड. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल था, ये हर बार होगा, ये स्टार्ट होगा, रेडी होगा, रनिंग में जाएगा, फिनिश हो जाएगा. ठीक है, अब आते हैं वेटिंग वाला. इसमें क्या हो गया, बेचारा वेटिंग में चला गया. पहले मैं समझा चुका हूं वो पहले कैसे वेटिंग में जाता है. ठीक है, यहाँ पे क्या आया, आयो रिक्वेस्ट आया, यहां से यहां गया, तो क्या हुआ, आयो कंप्लीट हुआ. ठीक है, आयो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ. अब ऐसा भी तो हो सकता है वेटिंग फेज में जाने के बाद इस प्रोसेस को मैंने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, कि अभी तुम कुछ देर के लिए भाई रुक ही जाओ, तुमको मैं अलॉट नहीं कर सकता. ठीक है, प्रोसेसर अलॉट नहीं कर सकता, तो उस केस में ये वेटिंग स्टेट से कहां चला जाएगा, सस्पेंड ब्लॉक में, या फिर सस्पेंड स्टेट में, इट गोज टू द सस्पेंड स्टेट. ठीक है, तो ये कहां गया, सस्पेंड स्टेट में गया. ठीक है, और ये जो वेटिंग होता है ना, आई विल टेल यू लेटर, लिसन टू इट, ये कहां चला गया, सस्पेंड में. अब ऐसा भी हो सकता है आफ्टर गेटिंग सस्पेंडेड, बहुत देर तक ये सस्पेंडेड था, फिर प्रोसेसर ने इसको बोल दिया, बुला लिया कि आ जाओ, लेट्स गेट रेडी अगेन, सो इट विल गेट रिज्यूम्ड. ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है ये और एक वे है कि इसको मैं क्या करता हूं, यहां पे और एक ब्लॉक बना लेता हूं. जो भी होगा, ये क्या होता है कि सस्पेंड ब्लॉक से ये क्या हुआ, रिज्यूम होके गया, फिर जाके कहीं पे सस्पेंड हो गया, फिर क्या हुआ, फिर इसको बाद में मौका मिला, ये जाके क्या हो गया, रिज्यूम हो गया. और ऐसा भी हो सकता है कि ये बेचारा रिज्यूम स्टेट से फिर सस्पेंड स्टेट में आ जाए, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन. ठीक है, ये है सेवन स्टेट मॉडल, दिस इज सेवन स्टेट मॉडल. और ये जो वेटिंग फेज है ना, इट हैपेंस इन रैम, रिमेंबर दिस, इट हैपेंस इन रैम. और ये जो सस्पेंड ब्लॉक है, ये कहां पे मिलता है हम लोगों को, वी गेट इट इन हार्ड डिस्क, वी गेट इट इन हार्ड डिस्क. ये एचडी मतलब हाई डेफिनेशन नहीं है, दिस इज हार्ड डिस्क, दिस इज हार्ड डिस्क.
राइट इतना समझ में आ गया सस्पेंस स्टेट एक बार फिर से बता दीजिए सस्पेंस स्टेट में क्या देखो बहुत ही सिंपल है वेटिंग करता वो बहुत देर से वेटिंग कर रहा था तो बेचारे को बोला कि भाई अभी तू कुछ देर के लिए सस्पेंड हो जा तो ये क्या हुआ ना ये सिंपली सस्पेंड हो गया और फिर जब इसको मौका मिलेगा तब ये सस्पेंड स्टेट से फिर रिज्यूम होकर वेटिंग स्टेट में जाएगा। अब मैं ना नहीं चाहता कि मेरा प्रोसेस वेटिंग स्टेट पे फिर से जाए तो ऐसे भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं तो मैं इसको सस्पेंड ब्लॉक से फिर दूसरे एक सस्पेंड ब्लॉक में भेज देता हूँ ठीक है और फिर वहां से मैं इसको रिज्यूम करा देता हूँ ठीक है। तो अगर ये यहाँ से रिज्यूम हो रहा है तो रेडी स्टेट से ये भी पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्ट मैं रेडी स्टेट से ही कर दूं इसको क्या बोलते हैं सस्पेंड। ऑलराइट सो दिस इज द साइकिल व्हिच इज गोइंग ऑन मतलब मैं डायरेक्ट रेडी स्टेट से भी रिज्यूम और सस्पेंड करा सकता हूँ। यस और नो मैं एक प्रोसेस आया वो रेडी स्टेट में गया और रेडी स्टेट में जाने के बाद ही मैं बोल रहा हूँ भैया तू अभी प्रोसेस तो हो ही नहीं सकता मैं तेरे को कते ही रनिंग स्टेट में डाल नहीं सकता तू एक काम कर तू अभी सस्पेंड हो जा हो ही सकता है ना। यस और नो बताओ। तो वही है दिस इज द सेवंथ स्टेट मॉडल। अभी सबको क्लियर हुआ या फिर अभी भी किसी को प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत है तो अभी बता दो। समझ आया सबको? हाँ भैया। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज द थ्री स्टेट टास्किंग सिस्टम्स। ऑलराइट दिस वर द वेरियस थ्री टाइप ऑफ टास्किंग सिस्टम्स व्हिच आर यूज्ड इन आवर ऑपरेटिंग सिस्टम टू हैंडल द प्रोसेस स्टेट्स। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑलराइट लेट्स लर्न अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर बिहाइंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। द डेटा स्ट्रक्चर of operating system is called process control block or PCB or PCB process control block or PCB। All right, let's go to the slide। देखो यहां पे various type of PCBs है ठीक है उसके वेरियस पार्ट्स है। देयर आर वेरियस पार्ट्स एसोसिएटेड विद द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। एक तो होता है प्रोसेस आईडी व्हिच हेल्प्स अस टू नो व्हिच प्रोसेस इट इज। अलग अलग प्रोसेस आएंगे तो उनका प्रोसेस आईडी भी अलग अलग होगा ठीक है। तो अब हर एक प्रोसेस का अपना अलग अलग स्टेट है। कुछ कुछ प्रोसेसेस रेडी स्टेट में है, कुछ कुछ प्रोसेस है जहां रेडी स्टेट में वो वेट कर रहे हैं अपना मौका कब आएगा मैं तो रेडी हूं, और दूसरा है अपना रनिंग स्टेट। ऑल राइट जहां पे द प्रोसेस गेट्स एग्जीक्यूटेड इन द प्रोसेसर। फिर अपना होता है सीपीयू रजिस्टर, फिर उस प्रोसेस का अकाउंट इंफॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन, सीपीयू स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी इंफॉर्मेशन। ऑल राइट ठीक है। और एक बात है, मान लो इसका मैं काम बताता हूं कि बेचारा काम कैसे करता है। सपोज मान लो कि कभी तुम लोग किसी प्रोसेस को किसी भी चीज को डाउनलोडिंग पे बिठाते हो, यू पुट समथिंग ऑन द डाउनलोडिंग पार्ट ठीक है। अचानक क्या हुआ बीच में ना डाउनलोडिंग स्टॉप हो जाता है, पर नेक्स्ट टाइम तुम जब फिर से स्टार्ट करोगे देन द डाउनलोडिंग अगेन स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी जहां पे वो खत्म हुआ था दैट वेरी पॉइंट से तुम्हारा डाउनलोडिंग फिर से स्टार्ट होगा। तो ये काम कैसे होता है? एक बार तो डाउनलोडिंग बंद हो जाने पे वो प्रोसेस ही उड़ जाना था, पर वो उड़ता क्यों नहीं है, वहां पे रह क्यों जाता है? इट गेट स्टार्टेड फ्रॉम दैट वेरी बैरियर वेयर इट स्टॉप। Alright, so how it is done with the help of this process control block. पर उसके पास जो डेटा रहना चाहिए ना कि मेरे पास इस फाइल का इतना ही डाउनलोड हुआ था, that information should be a relevant information. ठीक है, अगर वो relevant information नहीं होगा तो वो प्रोसेस फिर से वही से स्टार्ट नहीं हो पाएगा। Alright, this is the condition. So इसको बाद में फिर से समझेंगे तो लेट इट गो। सो ये जो डाउनलोडिंग वगैरह है हाउ इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज द पीसीबी और द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस और नो? यस और नो? यस भैया। ठीक है, अभी अगला जो समझेंगे वो है प्रोसेस शेड्यूलर्स। ये भाई प्रोसेस शेड्यूलर्स क्या होता है? ये क्या करते हैं ना, प्रोसेस को शेड्यूल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। शेड्यूल मतलब किसके बाद क्या प्रोसेस आना चाहिए और कब वो रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट, रेडी स्टेट से
क्या कहते हैं, सॉरी, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट, रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट से सस्पेंड ब्लॉक, ये जो जितना भी प्रोसेस इसके पीछे काम कर रहा है ना, कब कौन सा प्रोसेस कौन से स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द शेड्यूलर्स. अब बेचारी ये शेड्यूलर्स जो है वो तीन तरीके के होते हैं. एक तो था लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ठीक है, ये भाई साहब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम क्या करता है, ये काम करता है कि मान लो कि तुम्हारा कोई प्रोसेस है जो डिस्क में स्टोर्ड है, इट इज स्टोर्ड इन द डिस्क. तो अब मैं क्या करूंगा, उस प्रोसेस को डिस्क से निकाल के मैं क्या करूंगा, रैम में भेजूंगा, ठीक है. और रैम क्या काम कर, और जो ये रैम है इट इज द रेडी स्टेट, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वहां पे जाके वो प्रोसेस रेडी स्टेट में वेट करेगा टू गेट एग्जीक्यूटेड और एंटर द रनिंग स्टेट. तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या है, कोई प्रोसेस डिस्क में पड़ा हुआ है उसको उठाओ और रैम में डालो जहां पे जाके वो रेडी स्टेट में घुस जाएगा, ठीक है. एंड इसमें कौन से टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, आईओ इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस होते हैं और सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है. अभी मैं आईओ बाउंड और सीपीयू बाउंड के बीच का डिफरेंस बता दूंगा तुम लोगों को, डोंट वरी, ठीक है. तो ये इतना याद रखना. फिर होता है और एक टाइप जो है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. अब क्या है कि ये जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है ना, ये क्या करता है, रेडी स्टेट से एक प्रोसेस को डिस्पैच करके रनिंग स्टेट में भेजता है, ठीक है. अभी डिस्पैच समझे, इतना समझे, देखो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज पुटिंग अ प्रोसेस फ्रॉम द डिस्क टू रैम, दैट इज द रेडी स्टेट. और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या काम कर रहा है, एक प्रोसेस को रेडी स्टेट से उठा के डिस्पैच करके रनिंग स्टेट में भेज रहा है, ठीक है. और एक होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर. अब क्या हुआ, ये मीडियम टर्म शेड्यूलर है ना, तो बीच में देखे थे ना कि रनिंग स्टेट और रेडी स्टेट के बीच में से मैंने एक स्टेट बनाया था जिसको मैंने नाम दिया था वेटिंग स्टेट. तो ये जो वेटिंग स्टेट से सस्पेंड स्टेट और सस्पेंड स्टेट से वो जो सेवन स्टेट मॉडल था उसमें जरा मन की आंखों से सोचो, समझ में आ जाएगा. वेटिंग स्टेट में गया, फिर वो सस्पेंड स्टेट में गया, सस्पेंड स्टेट से वो बेचारा फिर से रेडी स्टेट में गया, फिर ये जो नीचे का जो साइकिल था ना, वेटिंग सस्पेंड सस्पेंड वेटिंग फिर रेडी, ये काम जो करता है वो कौन करता है, दैट इज द मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है. और यही शेड्यूलर हेल्प करता है सीपीयू को समझाने में कि तुमको भी वो प्रोसेस को मतलब लेना है, मतलब इट हेल्प्स द प्रोसेस टू गेट असाइन टू द सीपीयू, ठीक है. इतना समझ में आया सबको, येस और नो जल्दी से बताओ तो फिर आगे बढ़ूंगा. समझ में आया, इतना समझ में आया, येस और नो, ठीक. अभी समझते हैं, ठीक है, अभी कुछ टर्म समझना है, उसके बाद वी विल लर्न वेरियस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स. कुछ टर्म्स समझ लेते हैं, उसके बाद मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है. और तुम लोगों का ऑलमोस्ट मान के चलो तुम लोग अपने मिड सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हो ओएस का आज ही. इतना इजी सब्जेक्ट है ओएस, एक बार समझ में आ जाएगा ना तो फिर मजे ही मजे है, इतना टाइम लगता ही नहीं ओएस पढ़ने में. चलो आगे कुछ टर्म समझते हैं, एक सेकेंड. हाँ चलो समझते हैं. मान लो कि तुम्हारे पास बहुत सारे प्रोसेस है, पी नॉट एक है, पी वन एक है, पी टू एक है, तीन प्रोसेस है तुम्हारे पास, P1, P0, P1, P2, ठीक है. अब हर एक प्रोसेस का अराइवल टाइम होता है, मतलब जिस टाइम पे वो रेडी स्टेट में घुसता है उसको कहते हैं हर एक प्रोसेस का अराइवल टाइम. ऑलराइट, सॉरी, जिस टाइम में कोई प्रोसेस रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में पहुंचता है उस टाइम को हम लोग कहते हैं अराइवल टाइम, मतलब जिस टाइम पे उसको क्या होता है, CPU असाइन होता है, उसको मैं कहूंगा क्या टाइम, अराइवल टाइम. आई विल कॉल इट अराइवल टाइम. नेक्स्ट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज कंप्लीशन टाइम. कंप्लीशन टाइम इज जिस टाइम के बाद एक प्रोसेस को कंप्लीटली मतलब एक प्रोसेस को कंप्लीटली CPU एग्जीक्यूट कर देता है उसको हम लोग कहते हैं क्या टाइम. आई विल कॉल इट completion time. I will call it what time, completion time. ठीक है, ये दोनों clear. Next, और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं burst time. What is burst time? ये burst time क्या होता है? Burst time वो time है
जो टाइम ठीक है एक प्रोसेस यूज करता है सीपीयू का टू गेट इटसेल्फ कंप्लीटेड, समझे? एक प्रोसेस को मान लो टाइम लगा, प्रोसेस को टाइम लगा 2 units ऑफ टाइम, ठीक है, टू गेट इटसेल्फ कंप्लीटेड और कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बर्स्ट टाइम कहेंगे. इट इज नथिंग बट द बर्स्ट टाइम, ठीक है. अब टर्न अराउंड टाइम क्या है? व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टैट कहते हैं, टीएटी, टर्न अराउंड टाइम. इट इज नथिंग बट कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है. मान लो कि मेरे पास एक चीज समझो, कंप्लीशन टाइम और बर्स्ट टाइम में डिफरेंस क्या होता है. मान लो कि मेरे पास 3 अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है, P1, P2, P3. P1 का बर्स्ट टाइम है 1, इसका भी है 1, इसका है 2. ऑलराइट, पर मैं दोनों प्रोसेस को तो एक साथ चला नहीं सकता. मैं वो कुछ एल्गोरिदम यूज करके किसी एक को पहले असाइन करूंगा सीपीयू, वो हम बाद में समझेंगे, ठीक है. तो मान लो कंप्लीट होता है P1 एट टाइम 2, P2 एट 4 और P3 कंप्लीट होता है एट 5. ऑलराइट, तो टैट, ठीक है, तो यही है डिफरेंस. मतलब जिस टाइम पे उसको कंप्लीट होना ही होना था उसको कहेंगे बर्स्ट टाइम, पर वो कंप्लीट फाइनली मतलब प्रैक्टिकली जिस टाइम पे होता है उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीशन टाइम. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बर्स्ट टाइम एंड कंप्लीशन टाइम. और टैट का फॉर्मूला याद रखना, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. ऑलराइट, और एक टर्म है जिसको कहते हैं हम लोग वेटिंग टाइम. बेचारे को कितना वेट करना पड़ा रेडी स्टेट में टू गेट रन. इट इज इक्वल टू टोटल टोटल टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है, याद रखना. टैट माइनस बीटी और टैट इज इक्वल टू सीटी माइनस एटी. ऑलराइट, इतना क्लियर हुआ सबको? यस और नो? यस और नो? एक बार वो डिफरेंस बोल दीजिए ना, बर्स्ट टाइम एंड कंप्लीशन टाइम. जाओ बाजार जाना, ठीक है, 1 किलो आलू खरीद के लाना, तुम्हारे पास टाइम है 4 मिनट. और जो अब मैंने तुमको टाइम दे दिया ना कि तुमको 4 मिनट में ही लौटना है आलू लेके, तो दैट इज द बर्स्ट टाइम. पर तुम लौटी 6 मिनट बाद बिकॉज देयर वॉज जैम, तुमको रुकना पड़ा, फिर कुछ देर चली, फिर सड़क पे तुमको रोक दिया गया, ऐसे करके यू टुक मोर टाइम. तो तुमको मैंने कितने टाइम दिया था? 4 मिनट. दिस इज योर फर्स्ट टाइम. पर तुम आई कितनी देर बाद? 6 मिनट बाद. सो दिस इज योर कंप्लीशन टाइम. समझ में आया तुमको? यस और नो? हाँ भैया. हेलो, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है. अभी आगे समझते हैं. अभी वेरियस टाइप, अब एक चीज है कि अभी समझेंगे हम लोग वेरियस टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स. तो मैं सजेस्ट करूंगा तुम लोग एक पेन कॉपी लेके बैठो और हर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को मैं जो भी बता रहा हूँ, आई विल गिव यू टाइम टू राइट. पहले समझो, फिर मैं टाइम दूंगा, फिर उस कॉपी में लिख लेना, बहुत काम आएगा बाद में. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते. लेट्स स्टार्ट विद द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. कैसे हर एक प्रोसेस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग मतलब मूव कराते हैं. आई विल टेल यू वेरियस एल्गोरिथम्स टू डू इट. ऑलराइट, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस. 3-4-5 है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, उनको अच्छे से समझ लो, ठीक है. एक और चीज है जो तुम लोगों को समझना होगा, ये है प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव के बीच का डिफरेंस. बेटा ये जो प्रीएम्प्टिव होता है ना, प्रीएम्प्टिव मतलब कुछ देर चलने के बाद मैं प्रोसेस को रोक देता हूं और कहता हूं कि अभी रुक जा, दूसरे को थोड़ा चल लेने दे, फिर मैं तेरे को चला दूंगा, ठीक है. दिस इज कॉल्ड प्रीएम्प्टिव प्रोसेस. और नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस तो बड़ा ढीट होता है भाई. मैं पहले कंप्लीट हो जाऊं फिर मैं तेरे को चांस दूंगा, ठीक है. जब तक मैं कंप्लीट नहीं होता मैं तेरे को चांस पक्के से नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बेचारा बीच में रुकने वालों में से नहीं हूं, ठीक है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव. ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है. इसका नाम है, नोट्स बना लेना, फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज FCFS.
इस बेचारे का नाम बहुत ही सिंपल है, नाम से ही तुम लोग आइडिया लगा लोगे कि वो प्रीएम्प्टिव है और या नॉन प्रीएम्प्टिव है। इसका नाम फुल फॉर्म है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विच इटसेल्फ इज नॉन प्रीएम्प्टिव। मतलब जब तक एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता आई विल नॉट गिव द मतलब आई विल नॉट अलाउ एनी अदर प्रोसेस टू एंटर द रनिंग स्टेट। ऑल राइट, तो समझते हैं ये काम कैसे करता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ओके, इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव इन नेचर। लेट्स मेक अ टेबल। तुम्हारे पास वेरियस प्रोसेसेस है तो उनका अराइवल टाइम है, उनका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। ऑल राइट, तुमको निकालना क्या क्या है, कंप्लीशन टाइम निकालना है, ठीक है, और TAT मतलब टर्न अराउंड टाइम निकालना है और वेटिंग टाइम निकालना है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास प्रोसेस दिए गए हैं P0, P1, P2, P3 और P4। You have been given total of 5 processes. एक प्रोसेस आके कभी लो आ रही कभी तेज आ रही है, ऐसा हो रहा है क्या क्या? अब इनका बस टाइम क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है और 12 दिया हुआ है, ठीक है। अभी तुमको बोला गया है कि ये मतलब तुमको हर एक प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम निकालना है, टर्न अराउंड टाइम निकालना है और वेटिंग टाइम निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है, ये सारे एल्गोरिथम समझ लो तो बहुत ही सिंपल है। मैं क्या करूंगा, एक नेट चार्ट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? नेट चार्ट बनाऊंगा। सो हाउ टू डू इट, पहले मैं पहला प्रोसेस मेरे पास कौन सा अराइव हुआ है, पी नॉट, ठीक है। पी नॉट का टोटल बर्स्ट टाइम कितना है, 2, तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, 2 में जाके खत्म हुआ, दिस इज पी नॉट। ऑल राइट, पी नॉट हो गया कंप्लीटली एग्जीक्यूट। उसके बाद मेरे पास आया P1, P1 आया तो है 1 पे, पर 1 पे तो मेरा पी नॉट चल रहा था, तो मैं क्या करूंगा ना, क्योंकि देखो ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, अगर ये प्रीएम्प्टिव होता तो मैं पी नॉट को 1 तक चला के P1 को चला देता, उसके बाद फिर मैं पी नॉट को कहीं चलाता और उसको कंप्लीट कराता। दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव, मतलब मैं जब तक कंप्लीट नहीं होऊंगा तुमको मैं जगह नहीं दूंगा। ऑलराइट, तो पी नॉट कहां से कहां तक चला, 0 से 2 तक, और बेचारा हो गया क्या, कंप्लीट। तो ये कंप्लीट कब हुआ, 2 पे कंप्लीट हो गया। ऑलराइट, अब P1, अभी मेरे पास क्या आया, P1 आया, P1 इसके बाद आया, और इसका कितना टाइम लग रहा है कंप्लीट होने में, 1, 2, मतलब 1 से लेके 6 तक, मीन 6 यूनिट ऑफ टाइम। तो मैं P1 को कहां से कहां चलाया, 2 से 8 तक चलाया, ठीक है, और ये कंप्लीशन टाइम इसका क्या है, 8 है। समझ में आया P1 का फंडा, यस और नो? बहुत इजी है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट, अभी P2 आया नेक्स्ट मेरे पास, और उसका बर्स्ट टाइम कितना है, 4 है। तो फिर P2 कहां से कहां तक चलेगा, P2 विल रन फ्रॉम, मींस इट विल रन 4 यूनिट्स ऑफ टाइम, दैट इज फ्रॉम 8 टू 12, एंड P2 गेट्स कंप्लीटेड। ये कंप्लीट कब हुआ, 12 पे हुआ। नेक्स्ट P3 आया मेरे पास, P3 को टाइम कितना लगा, 6 यूनिट्स। तो फिर मैं 18 तक इसको चला दिया, और हाँ बोलो, P2 को 11 यूनिट ऑफ टाइम नहीं लगना चाहिए? कैसे 11 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा, P2 तो 2 से 4 तक चल रहा है ना, 2, 3, 4, तो तीन यूनिट, सॉरी तीन टोटल कितने यूनिट चलेंगे, हाँ 3 यूनिट चलेंगे, दैट इज स्टिल कैसे है, P2 से लेके 4 लाइक 1 से, मतलब उसको टोटल कितना टाइम लग रहा है, 4 लग रहा है। मैंने तुमको कहा ना कि तुम बाजार जाओगे तो 4 मिनट में वापस आना, अच्छा उस मोमेंट से 4 आप बोलना चाहते हो, वैसे 16, सॉरी, ओके ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट अब P3, हाँ मैं तो ठीक ही कर रहा था यार,
it will be 21. Next, अभी क्या हुआ कि P4 आया. P4 बेचारे को कितना टाइम लगेगा, बर्स्ट टाइम कितना दिया हुआ है 12. ठीक है, तो 12 जोड़ दो तो P4 gets completed. P4 gets completed at 33. You got all the columns. Now you find out TAT, that is turnaround time. What is the formula for TAT? CT minus AT. That is 2. CT minus AT, that is 7. CT minus AT, that is 10. CT minus AT, that is 18. CT minus AT, that is 29. वैसे ही WT निकाल लो, TAT minus BT. Waiting time, 2 minus 2, that is 0, 7 minus 6, that is 1, 10 minus 4, that is 6, 8 minus 9, that is 9, and 29 minus 12, that is 17. You get your table completed. This is first sum, first serve, first come, first serve, scheduling algorithm. Samajh mein aa gaya sabko, yes or no? And this is the NAT chart. This is the NAT chart. Samajh mein aa gaya sabko, yes or no? Bhaiya, isko first come, first serve kyun bola? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, देखो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इसीलिए बोला क्योंकि P0 जो है वो तो जीरो पे आ गया था, वो सबसे पहले आ गया, तो वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं P1 को नहीं चला सकता. अराइवल टाइम देखो ये जीरो पे आया और जब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ मैं दूसरे को चांस नहीं दिया, फिर बेचारा आया P1 तो 1 पे ही आ गया था, पर P0 जैसे आया है फर्स्ट, मतलब पहले ही आ गया था P0 उससे पहले, इसीलिए मैं उसको P1 पे जगह नहीं दे, मतलब एट वन यूनिट टाइम में उसको जगह नहीं दे पाया. आई हैव गिवन हिम द अपॉर्चुनिटी टू गेट एग्जीक्यूटेड ओनली आफ्टर P0 गेट्स कंप्लीटेड. ऑलराइट, एंड आफ्टर दैट P1 गेट्स कंप्लीटेड, देन P2, देन P3, देन P4. देखो अराइवल टाइम के हिसाब से उसने खुद किया है, मतलब जो पहले आएगा वो अपना काम पहले कंप्लीट करेगा फिर दूसरे को. समझ में आ गया कि इसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बोला गया. कंप्लीट समझ में आ गया, यस और नो? भैया प्रीएम्प्टिव मतलब कि अगर मतलब 2 सेकंड देखो प्रीएम्प्टिव, अभी नॉन प्रीएम्प्टिव समझ लो, इसके बाद वाले प्रोसेस में मतलब मैं समझा दूंगा जब प्रीएम्प्टिव का एल्गोरिथम आएगा. नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब बेचारा जब तक तू कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं तेरे को जगह नहीं दूंगा. ठीक है ना? हाँ, और एक डिसएडवांटेज देखो बहुत ही अच्छा देखते हो, रोड में मान लो कि एक टोल बूथ जो होता है, एक गाड़ी पहले से टोल बूथ के अंदर खड़ा है, ठीक है, और उसके पीछे एक के बाद एक गाड़ियों का कॉन्वॉय लग गया है, जैम लग गया है, ठीक है, लगता है ना? यस और नो? यस और नो बताओ. हाँ भैया, तो वही बात है कि P0 तो आ गया है जीरो जीरो पे, वो 2 तक टाइम ले रहा है, पर P1 तो ऑलरेडी 1 पे आ गया है, अब वो खड़ा है, और फिर जब तक P0 कंप्लीट होता है तब तक P2 भी आ गया है 2 टाइम पे, और जब तक P1 खत्म होता है ऑलरेडी P3 आ गया है, और जब तक P3 कंप्लीट होता है ऑलरेडी P4 आ गया है. तो जो रेडी क्यू है ना उसमें क्या हो रहा है, रेडी क्यू एक के बाद एक जैम सा लग गया है, ठीक है, एक के बाद एक प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक इन तीनों का जैम लग गया, जब ये कंप्लीट हुआ इन दोनों में जैम लग गया. तो दिस इज कॉल्ड कॉन्वॉय इफेक्ट, एंड दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. ठीक है, ये क्या करता है ना, इनपुट आउटपुट का जो प्रोसेस है ना उस पे लोचा कर देता है, इट क्रिएट IO इफेक्ट. ऑलराइट, जैसे कि होता है कि ये जो तो प्रोसेस है ये सीपीयू के अंदर रन कर रहा है पर ये अभी भी रेडी स्टेट में पड़ा हुआ है, ठीक है, दिस इज अ सीपीयू बाउंड प्रोसेस नाउ. ऑलराइट, एंड दिस इज ऑलरेडी वेटिंग इन द रेडी क्यू, सो इट इज एन आईओ बाउंड प्रोसेस नाउ. तो क्या करता है ना, इट अफेक्ट्स द आईओ, इट क्रिएट्स एन आईओ इफेक्ट. ऑलराइट, दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ एफसीएफएस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, बट इसका एडवांटेज भी है, ये बहुत ही इजी और सिंपल है, दैट्स इट, और कोई इसका कोई एडवांटेज नहीं है. वी कैन से दिस इज ओनली द एडवांटेज, बट इट्स बिगेस्ट डिसएडवांटेज इज इट क्रिएट्स अ कॉन्वॉय इफेक्ट. समझ में आ गया सबको, यस और नो? यस और नो? यस भैया. चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम समझेंगे. नेक्स्ट वाला भी बहुत ही इजी है, ठीक है. अब ये देखो ये क्या हुआ था ना, इधर लग गया था मेरा क्या, कॉन्वॉय इफेक्ट. कॉन्वॉय इफेक्ट इसीलिए लग गया था कि
क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस थे, देख FCFS में क्या हो रहा था, जो पहले आएगा मैं उसको जगह दे दूंगा, पर ये तो बहुत गलत है, कॉन्वॉय इफेक्ट लग रहा है। तो इस कॉन्वॉय इफेक्ट को घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस टाइम को प्रायोरिटी देंगे, बस टाइम को क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे, जिसका सबसे क्या होगा ना, मान लो कि दोनों प्रोसेस अराइवल टाइम दो प्रोसेस का अराइवल टाइम जो है वो सेम है, तो उनके बीच अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उनको सॉल्व करने के लिए मैं चेक करूंगा किसका बर्स्ट टाइम, ठीक है, किसका बर्स्ट टाइम कम है, जिसका बर्स्ट टाइम कम है मैं उसको क्या करूंगा, प्रायोरिटी दे दूंगा और बोलूंगा भाई साहब आप पहले, ठीक है। इतना समझ में आ गया। सॉरी दिस प्रोसेस, ये जो नया एल्गोरिथम है उसका नाम है STF, दैट इज शॉर्ट JF, दैट इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है, नाम है इसका नाम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब जिसका सबसे कम बर्स्ट टाइम होगा उसको मैं पहले क्या करूंगा, एग्जीक्यूट करा दूंगा। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड द SJF और द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। दिस इज ऑल्सो नॉन प्रीएम्प्टिव, this is also non preemptive. So let's understand the whole algorithm that is working behind it. ये देखो ये almost same ही है, ठीक है, उस FCFS जैसा ही है, पर अगर किसी process का arrival time same हो जाता है तो at that case हम लोग क्या करेंगे, check करेंगे किसका burst time कम है, उसको मैं पहले एग्जीक्यूट कर दूंगा। मेरे को इसका गैंट चार्ट बनाने की शायद से जरूरत नहीं, तुम लोग खुद ही कर लोगे ना, यस और नो? यस भैया। तो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, तुम लोग घर पे कर लेना, ठीक है। प्रोसेस है ATA BTA, ठीक है, प्रोसेस दिया हुआ है P0 P1 P2 एंड P3, तो ये अराइव हो जाता है 0, 1, 2 और 2 पे, ठीक है, और यहाँ पे इनका बर्स्ट टाइम है 5, 4, 3, 8, तो इनका तुम लोगों को इस नेट चार्ट बनाना है, ठीक है, इस पूरे क्या बोलते हैं उसको, टेबल का नेट चार्ट बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, TAT निकालना, ठीक है, WT निकालना, एंड ऑल्सो फाइंड द एवरेज वेटिंग टाइम। इसको कैसे निकालोगे, ये यहाँ पे तुम्हारे पास सारे वेटिंग टाइम्स आ जाएंगे, ठीक है, उनको सम कर लेना और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो फिर तुमको वहां पे एवरेज वेटिंग टाइम मिल जाएगा। यू फाइंड दिस इज योर भैया। हां बोलो भैया, इसमें सबका बर्स्ट टाइम नहीं देखना ना, सिर्फ उनका बर्स्ट टाइम देखना है जिनका मतलब अराइवल टाइम सेम है। जिनका अराइवल टाइम सेम हो जाए तो उस केस में बर्स्ट टाइम चेक कर लेना, ठीक है। ओके भैया, सो दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 1, यू गेट इट डन बाय टुमारो, वी विल डिस्कस दिस, ठीक है, इन द क्लास। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। Next, अभी आ जाओ एक प्रीएम्प्टिव, अभी हम लोग एक प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम समझेंगे, दैट इज SRTF, दैट इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड SRTF, फुल फॉर्म शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, shortest remaining time first. All right, this is the process which is preemptive, matlab sabko mauka milega on the basis of their first time. Main kisi ke sath na insafi nahi karunga ki main pehle aaya hu, main hi complete ho jaun, uske baad main tere ko mauka dunga, main hum log aisa kabhi nahi karenge, ठीक है, सबको मौका मिलेगा। वी बिलीव इन इक्वालिटी, दैट्स व्हाई वी यूज द एल्गोरिथम SRTF। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, टेबल बना लेते हैं, ठीक है, पहले दिस इज आवर गिवन टेबल, वी हैव गॉट फोर प्रोसेसेस P0, P2, P3, इनका अराइवल टाइम लिख लेते हैं, इनका बर्स्ट टाइम लिख लेते हैं, ठीक है, 0, 1, 2, 3, और इसका है मान लो 8, 4, 9, 5। वॉइस बहुत लो हो रहा है आपका, अभी ठीक है ना?
हाँ भैया हाँ ठीक है नो प्रॉब्लम अभी क्लियर है चलो देखते हैं अभी इसका एक नेट चार्ट बनाते हैं ठीक है ये प्रीएम्प्टिव है प्रोसेस याद रखना अब देखते हैं ये काम कैसे करता है ठीक है अभी देखो पी नॉट पे मेरा जीरो पे मेरा पी नॉट आ गया है ठीक है तो जीरो से लेके वन तक मैंने पी नॉट को चला दिया वन तक इसीलिए चलाया क्योंकि वन पे पी वन ऑलरेडी अराइव हो चुका है इसीलिए मैं पी नॉट को वन यूनिट चला दिया और इसका बर्स्ट टाइम क्योंकि मैंने एक बार चला दिया है एक यूनिट टाइम के लिए पी नॉट को तो इसके बर्स्ट टाइम को मैंने एक कम कर दिया ठीक है अब देखो P1 मेरा 1 पे आ गया है तो मैं P1 को 1 से 2 तक चला दिया पर 2 पे तो P2 भी अराइव हो गया भाई साहब तो मैं P1 को एक यूनिट चलाया और इसको इसका बर्स्ट टाइम एक कम कर दिया क्योंकि ये एक यूनिट चल चुका है नेक्स्ट P2 2 पे आ गया और इसको मैं 3 ही तक चला सकता हूं क्योंकि P3 3 पे आ गया है और इसको मैं एक कम कर दूंगा दिस विल बिकम 8 ठीक है अब P3 यहाँ पे P3 है P3 3 से 3 पे आ गया है और ये 5 तक है ठीक है P3 देखो अब P3 के बाद बेचारा कोई प्रोसेस मैं देख तो नहीं पा रहा हूं इसके बाद और कोई प्रोसेस शायद भैया योर वॉइस इज लो ऑलराइट लेट्स मैं फिर से बताता हूँ ठीक है फिर से बताता हूँ पूरे सिनेरियो को देखो तुम्हारे पास कितने प्रोसेस है तुम्हारे पास 4 प्रोसेस है P0 P1 P2 P3 ठीक है दिस इज प्रोसेस दिस इज अराइवल टाइम दिस इज बर्स्ट टाइम ऑलराइट P0 0 1 2 और 3 इनका अराइवल टाइम है बर्स्ट टाइम है 8 4 9 और 5 ऑलराइट नाउ लेट्स स्टार्ट अभी मैं बर्स्ट बेसिस पे पूरे को सॉल्व करूंगा देखो ध्यान से देखना पी नॉट आ गया 0 से 1 तक मैं इसको चला दिया 1 पे मेरा P1 आ चुका है ठीक है ये एक बार चल गया तो लेट्स मेक इट 7 अब देखो 1 पे ठीक है लास्ट टाइम आई मिस्ड क्या कहते हैं स्टेप यहां पे सुन लो ध्यान से P1 पे 1 भी है और P0 भी है दोनों का क्या हो रहा है टाइम सेम हो रहा है तो अब मैं क्या करता हूं ना इन दोनों का बर्स टाइम चेक करता हूं किसका बर्स टाइम कम है P1 का तो मैं P1 को एक यूनिट चला देता हूं ठीक है एंड इसको मैं 3 कर देता हूं अब देखो 2 पे ना तीनों आ गए हैं तीनों है रजिस्ट्रेट में P0 भी है P1 भी है P2 भी है अब इन तीनों का सबसे लोएस्ट बर्स टाइम किसका है P1 का तो मैं P1 को फिर और एक यूनिट चला देता हूं जब तक मैं P1 तक पहुंचा अब तुम्हारे पास चारों प्रोसेस है और P1 को एक कम कर दो चारों के चारों प्रोसेस आ चुके हैं ठीक है अब तुम क्या करोगे अब तीनों का फिर से बर्स्ट टाइम चेक करोगे सबसे कम किसका है P1 का तो मैं और एक बार P1 को चला दिया एक यूनिट के लिए फिर अभी 4 है फिर चेक करो इनमें से बर्स्ट टाइम किसका कम है P1 का ही है ऑब्वियसली अब P1 का और एक बार चला देता हूं तो देखो P1 gets completed ठीक है P1 का टोटल बर्स्ट टाइम नाउ बिकम्स 0 P1 gets completed नाउ P1 P2 P3 तीनों आ चुके हैं रेडी क्यू में अब चेक करो इनमें से सबसे कम किसका है ठीक है बर्स्ट टाइम सबसे कम P3 का है अब देखो तुम जितनी बार भी करोगे ना एक एक करके काम करते रहोगे हर बार P3 का ही सबसे कम बर्स्ट टाइम आएगा क्योंकि P3 एक एक करके कम होता जाएगा तो मैं एक ही बार में कह सकता हूं ना जो मेरा P3 है वो 5 से लेके 10 तक चला देता हूं ये टोटली गेट्स कंप्लीटेड नेक्स्ट P0 विल गेट कंप्लीटेड एंड उसके बाद P2 विल गेट कंप्लीटेड दिस विल बी 36 दिस इज द नेट चार्ट और इसको फॉलो करके बना लेना कंप्लीशन टाइम के बाद टर्न अराउंड टाइम और W समझ में आ गया सबको यस और नो यस और नो यस ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ही एग्जाम में आने का चांस सबसे ज्यादा होता है ठीक है SRTF इज रियली एसेंशियल तो ये अच्छे से देख लेना कोई भी डाउट होगा तो आज ही देखना और मेरे को आके कल क्लास में बता देना ठीक है दिस इज द
real scenario behind sorry 26 हाँ, this is the real scenario behind SRTF. That's it. अभी इसके बहुत सारे features हैं. That is minimum average waiting time among all scheduling algorithms. ठीक है, अगर तुम हर एक scheduling algorithm का minimum waiting time निकालोगे, WT average waiting time निकालोगे, तो देखोगे SRTF का minimum waiting time है. ठीक है, but ये क्या करता है ना, response time को बढ़ा देता है. ठीक है, क्योंकि हर एक प्रोसेस छोटे छोटे बहुत स्लो हो गई थी. फिर से रिपीट कर सकते हैं? मैंने बोला कि ये जो SRTF है ना, इसका जो एवरेज वेटिंग टाइम है, ये हर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में सबसे कम है. दिस इज द एडवांटेज ऑफ SRTF. हर एक प्रोसेस को मैं मौका दे रहा हूँ वो लोग अलग 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 छोटे छोटे यूनिट ऑफ टाइम के लिए CPU के अंदर जा रहे हैं. मतलब from IO bound process they are getting converted to CPU bound process for ठीक है, तो ये जो CPU bound process है वो हर एक के लिए क्या कर रहा है ना, इन हर एक का response time को बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहा है. ठीक है, मतलब ये zero पे आया, complete कहाँ पे हुआ, P1 P5 पे complete हुआ. तो ये क्या हुआ ना, इसका total response time जो है, जो CPU का मतलब CPU के अंदर जितना देर ये रहता है ना, वो जो टाइम है वो बहुत बढ़ा देता है. तो रेस्पॉन्स टाइम गेट्स इंक्रीज. ऑलराइट, ये रेस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम को बढ़ा देता है हर एक प्रोसेस का. दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ SRTF. इट इंक्रीजेस द वेटिंग टाइम एंड द रेस्पॉन्स टाइम फॉर CPU बाउंड जॉब्स. ऑलराइट, समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े, आगे बढ़े. Yes or no? कोई बता दो. ये इसमें आपने जो किया है वो GNet में. हाँ, net chart. हाँ, net chart में. तो जब second पे आएगा तो भैया वहाँ पे तो P2 आ जाएगा, तो P2 execute नहीं होगा. P2 बेचारा इसीलिए execute नहीं होगा क्योंकि P2 का burst time देखना एक बार कितना है. नहीं, और P1 का उस टाइम पे कितना था, 3. तो P1 का जो था बर्स्ट टाइम वो स्मॉल था, इसीलिए मैंने पहले P1 को चला दिया. समझे? क्लियर? एक बार फिर से बता दीजिए. क्लियर नहीं है अभी, बहुत क्लियर नहीं है, बताता हूँ. देखो, मान लो कि P0 जो है ना, P0 0 से 1 तक चला. ठीक है, देख रहे हो, P0 0 से 1 तक चला. उसके बाद P1 जो है, देखो P1 को मैं जब 0 से 1 तक चलाया तो देखो अराइवल टाइम जो है P1 का वो भी 1 है. इसका मतलब आफ्टर 1 देयर आर 2 प्रोसेस वेटिंग टू एंटर द रनिंग स्टेट फ्रॉम रेडी स्टेट. यस और नो? यस, राइट. तो अब मेरे को, अब तो मैं तुमको बता चुका हूं, ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाले प्रोसेस में, कि जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा, ठीक है, उसको मैं पहले चलाऊंगा. यस और नो? तो बस देखो इसका कम है, P1 का कम है एज कंपेयर टू P0, इसीलिए मैं पहले P1 को चलाया. उसके बाद फिर जैसे ही मैं एक यूनिट चलाया P1 को, तब तक P2 भी आ गया था, तो फिर से मैंने चेक किया बस टाइम किसका कम है, फिर P1 का कम निकला, तो मैं P1 को फिर से एक बार चला दिया. फिर मैं देखा, जब तक और एक बार मैंने P1 को चलाया, तब तक P3 भी आ गया था रेडी स्टेट रेडी क्यू में. तो जैसे ही वो रेडी क्यू में आया, फिर मैंने चेक किया किसका बस टाइम कम है. तो ऐसे करके बस टाइम जिसका कम होगा एट द सेम यूनिट ऑफ टाइम, मैं उसी प्रोसेस को प्रायोरिटी देके चलाऊंगा एंड आई विल गेट इट एग्जीक्यूटेड. समझ में आया सबको? तो ये कब तक चलेगा? जब तक प्रोसेस सारे कंप्लीट नहीं हो जाते. समझ में आया? ठीक है, मतलब अगर P0 होता तो P0 पहले चलता सारा. हाँ, ठीक है, समझ में आ गया सबको? और कोई डाउट है किसी को? डाउट है? चलो आगे बढ़ते. लास्ट है और मोस्ट फेमस है. ठीक है, लास्ट है और मोस्ट फेमस है, जिसको हम लोग कहते हैं, हाँ, लास्ट है और मोस्ट फेमस है, जिसको हम लोग कहते हैं राउंड रॉबिन. राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. ये बहुत ही इजी है. ठीक है,
मैं बोल देता हूं इट यूजेस टाइम क्वांटम, इट यूजेस टाइम क्वांटम मतलब इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास तीन प्रोसेस है P0, P1, P2, ठीक है, P0, P1 और P2, और इनका अराइवल टाइम है 0, 1, 1 और इनका बर्स्ट टाइम है 3, 1 और 5, ठीक है। मैंने बोल दिया, सॉरी इसको मैं कर देता हूँ छोटे नंबर ना, तो मैं एक काम करता हूँ इनका जो क्वांटम है उसको बना देता हूँ 1, ठीक है, टाइम क्वांटम है 1, मतलब हर एक प्रोसेस को 1 यूनिट तक चलने का मौका मिलेगा, ठीक है। हर एक को 1 1 यूनिट चला दो, पहले मैं P0 को 1 यूनिट चला दूंगा 0 to 1, तो फिर ये और 2 चलने के लायक रहेगा, फिर मैं P1 को चला दूंगा 1 यूनिट, तो ये 0 हो जाता है, इसका काम कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद मैं P2 को 1 यूनिट चला दूंगा तो इट बिकम्स 4, ठीक है, P2। उसके बाद फिर मैं 1 यूनिट ही चलाऊंगा P0 को, इट बिकम्स 1, बर्स्ट टाइम 1 रह गया है, ठीक है, दिस बिकम्स 2, 3, दिस बिकम्स 4। देन फिर एक बार मैं P2 को चला दूंगा 1 यूनिट, दिस बिकम्स 5। फिर मैं एक और बार P0 को चला दूंगा, तो P0 कितनी बार चलेगा, P0 एक ही बार चलेगा फिर से, और P0 गेट्स कंप्लीटेड, अब इसमें कुछ बचा नहीं, इट गेट्स कंप्लीटेड। अब P2 रह गया, कितनी बार रह गया था, 3, तो फिर मैं अब डायरेक्ट लास्ट रह गया है, तो इसको मैं 3 टाइम्स चला देता हूं। समझ में आ गया, एक टाइम क्वांटम रहेगा, उस टाइम क्वांटम तक हर एक प्रोसेस को चलाते रहो टिल इट गेट्स कंप्लीटेड, उस टाइम क्वांटम के ऊपर कोई भी प्रोसेस को मत चलाना, नहीं तो इट विल नॉट वर्क। यही है, सिंपल है, दिस इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। समझ में आ गया सबको, यस और नो? यस और नो? बहुत इजी है, पर ये छोटे प्रोसेसेस के लिए उतना एफिशिएंट नहीं है। जैसे कि तुमने देखा बहुत ही छोटा प्रोसेस था, टाइम क्वांटम मैंने 1 दे दिया, तो हर एक प्रोसेस एक एक बार चलता रहेगा और ये बहुत लंबा चलेगा, इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो अगर ये प्रोसेस बड़ा प्रोसेस है देन इट्स ओके, बट अगर किसी छोटे प्रोसेस के लिए ये इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो इट विल सिंपली इंक्रीज द कॉस्ट बिकॉज देयर विल बी टू मेनी स्विचेस, स्विचिंग ऑफ प्रोसेस इंक्रीज होगा तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, टाइम भी इंक्रीज होगा कंप्लीट करने का, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज सजेस्टेड दैट ओनली इंप्लीमेंट दिस फॉर हायर प्रोसेसेस, मतलब फॉर बिगर प्रोसेसेस, छोटे प्रोसेसेस के लिए ये यूज मत करना, ठीक है। सबको समझ में आया, यस और नो? यस और नो? समझ आया सबको? आया ना? हाँ। अभी और एक है, आई थिंक इट इज नॉट इन द यूनिवर्सिटी लेवल सिलेबस, पर फिर भी मैं बता देता हूँ, इतना बता दिया तो और एक बता देता हूँ, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, ठीक है। ये क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास मल्टीपल लेवल्स है ऑफ क्यूज, डिफरेंट वर्क्स के डिफरेंट क्यूज है, ठीक है, एन नंबर ऑफ क्यूज है, ठीक है, देयर आर एन नंबर ऑफ क्यूज, 1, 2, 3 डॉट 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 टिल एन, ठीक है। अब मैं ये मान लो कि फ्रंट एंड का काम कर रहा है, दिस इज फोरग्राउंड, ठीक है, और उसके बाद जो भी है बहुत सारे काम हो सकते हैं, और एक काम कर रहा है मान लो आखिरी वाला बैक एंड का, बैकग्राउंड वर्क, ठीक है। अब तुम इनमें, मतलब जो मल्टीपल लेवल क्यू शेड्यूलिंग है, इट यूजेस द प्रोसेस कॉल्ड एजिंग, uses the process called aging, ठीक है। आपस में ये लोग क्या करते हैं ना, feedbacks share करते हैं, ठीक है। This is the interface, user interface, तो user interface में user ने कुछ demand किया, तो इसका feedback मान लो इसने layer number 3 को भेजा, अब 3 वाले layer ने इसको last वाले layer को भेजा, last वाले layer ने फिर अपना feedback इसको, मतलब पहले वाले queue को भेज के output दिया, मतलब there is a communication establishment between various queues of this multi-level queue scheduling, ठीक है। This is done by following the scheduling algorithm of round robin, ठीक है, round robin use करता है, it uses round robin scheduling, this uses round robin scheduling। और एक बात है,
कि ये जो एजिंग प्रोसेस है और हियर वी कैन यूज एजिंग प्रोसेस, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो फीडबैक भेजते हैं वी डू इट विद द हेल्प ऑफ एजिंग प्रोसेस, इतना याद रखो काफी है, वी डू इट विद द हेल्प ऑफ एजिंग प्रोसेस, ठीक है, दिस इज द एडवांटेज। और क्या, पर एक चीज है, देखो ये ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इट्स हाईली कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और अगर ये कॉम्प्लेक्स है ना तो इसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, पर इसका जो आउटपुट रहता है ना, द आउटपुट विच इट गिव्स इज हाईली प्रिसाइज, इट्स हाईली प्रिसाइज, इसका कोई मतलब, इसका कोई मतलब क्या कहते हैं, गलती बहुत कम होता है इफ यू यूज मल्टी लेवल क्यूइंग विद फीडबैक। ऑलराइट, दिस वर द फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, इनके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है, आ ही नहीं सकता यार, इसके बाहर कुछ है ही नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम में, जितना मैंने पढ़ाया उस पार्ट में, ठीक है। सो दिस वर द फाइव डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको, जितना पढ़ाया गया है उसको एक 5-10 मिनट सोच लो दिमाग में, कोई डाउट आता है तो इंस्टेंटली अभी बताओ। भैया कोई पर्टिकुलर नोट्स थे एल्गो के? क्या क्या? कोई पर्टिकुलर नोट्स है इन जो चार टाइप आप? हाँ, आई विल शेयर विद यू, डोंट वरी, जितना पढ़ाया गया है उसको जरा सोचो। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, बस आइडिया दे देता हूँ, दैट्स अ ह्यूज टॉपिक, बट लेट मी गिव यू सम आइडिया अबाउट इट, दैट इज डेडलॉक। ये डेडलॉक क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास एक प्रोसेस है P1 और दूसरा प्रोसेस है P2। भैया योर वॉइस इज कमिंग लो। अभी ठीक है? चलो, तुम्हारे पास मान लो दो प्रोसेस है P1 और P2 और दो रिसोर्स है R1 और R2 रिसोर्स है, ठीक है, P1 के पास R1 रिसोर्स है और P2 के पास R2 रिसोर्स है, ठीक है, P1 के पास R1 रिसोर्स है और P2 के पास R2 रिसोर्स है, पर P प्रोसेस को कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने के लिए R2 चाहिए और P2 को कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने के लिए क्या चाहिए, R1 चाहिए, ठीक है, सो सी यू कैन सी अ लूप गेटिंग मेड, ठीक है, लूप बन रहा है, देखो तुम्हारे पास एक है पर कंप्लीट करने के लिए तुमको ऐसा एक रिसोर्स चाहिए जो दूसरे आदमी ने अलॉट कर रखा है और तुम्हारे पास जो है वो उस आदमी को चाहिए अपना प्रोसेस कंप्लीटली कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, सो देखो ये क्या हो रहा है ना, एक काइंड ऑफ लॉग बन रहा है, ठीक है, कोई भी काम नहीं बनेगा, उसका ना काम बनेगा, ना P1 एग्जीक्यूट हो पाएगा, ना P2 एग्जीक्यूट हो पाएगा, so you can see a loop getting made over here, this is making a loop, this situation is called the deadlock situation, deadlock, this is the deadlock situation which is getting made, so isko isko kehte hain deadlock situation, iske teen conditions hai, har ek ko hum log acche se padhenge next class mein, so I gave you just a simple idea of deadlock, all right, तो आई थिंक आज इतना बहुत, इससे ज्यादा पढ़ूंगा तो लोड हो जाएगा, तो लेट्स कीप इट अप टू दिस मच, कल के क्लास में हम लोग डेडलॉक पढ़ेंगे, बंकर्स एल्गोरिथम पढ़ेंगे और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और सेमाफोर पढ़ेंगे, ठीक है, आज इतना दूरी रखते हैं, इफ यू, आई विल शेयर यू द नोट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, कल के क्लास में मैंने तुमको एक असाइनमेंट भी दिया है, वो जो क्वेश्चन था उसको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट टेक्निक से करना है, वो करके रखना, और कल सुबह कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है, उसके बाद आगे का क्लास बढ़ाएंगे, ठीक है, आई एम एमिंग दैट आई विल कंप्लीट होल ऑफ योर ओएस इन मैक्सिमम बाय 3rd to 4th of January, बहुत ही छोटा है, ठीक है, ओएस समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो कभी समझ में नहीं आएगा, तो वी विल ट्राई अवर बेस्ट।
हाँ बोलो डीबीएमएस करा दो ना क्या ये डीबीएमएस डीबीएमएस भी करा देंगे वन बाय वन ये कंप्लीट कर लेते पहले ठीक है भैया इसी टाइम पे क्लास होगी या फिर 8:30 मॉर्निंग इसी टाइम पे करते हैं अभी तो छुट्टी है ना इसी टाइम पे कर ठीक है और आई विल शेयर यू द नोट्स उस गो थ्रू करना ठीक है और भी अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो एक है गिग्स पर गिग्स नाम का यंत्र उस पे चले जाना ठीक है तो बेटर होगा उसको फॉलो करो दैट्स इट एक फीडबैक फॉर्म दे दूंगा मैं थोड़ा फीडबैक दे देना कोई अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है मतलब और भी अगर क्लास को हम लोग बेटर कर पाएंगे तो पक्का करेंगे तुम्हारा व्यू पॉइंट दे देना इनपुट बाउंड एंड क्या इनपुट बाउंड एंड सीपीयू बाउंड प्रोसेसर में मतलब क्या क्या मतलब क्या होता है इनपुट बाउंड तो तब तक देखो सीपीयू बाउंड एक प्रोसेस तब बन जाता है when it had already entered into the CPU into the running state uska kaam charcha chal raha hai theek hai it is already bound by CPU theek hai aur jab tak wo tumhare input output matlab jab tak wo CPU phase mein nahi ghusta hai to we call it IO bound theek hai okay bhaiya theek hai I'll share the notes with you buffer memory kya hota hai buffer mein kya hota hai Can you please repeat? हम लोगों को क्लास में बफर बताया गया था अच्छा बफर अरे ऐसा नहीं होता है कि बहुत बार तुम मतलब कोई एक गूगल फॉर्म है ठीक है कोई भी कुछ भी फॉर्म है तो तुम जैसे ही वहां पे तुमको बोला है भाई अपना ईमेल भर तो तुम जस्ट एस लिखते हो तो ऑटोमेटिक तुम्हारा पूरा मेल आ जा मतलब मेल आईडी आ जाता है ठीक है आता है कि नहीं नीचे ऑटोफिल ऑप्शन आता है तो वेर इट इज वो कहां से आ रहा है इट कम्स फ्रॉम द बफर मेमोरी मतलब एक बार मैंने कुछ कर दिया ना तो मतलब एक बार मैंने कुछ ऑपरेशन किया है छोटा मोटा तो वो जाके कैशे मेमोरी में स्टोर हो जाता है कैशे ठीक है तो वो कहां पे स्टोर हुआ है तुम्हारा एक छोटे से कैशे मेमोरी में जाके स्टोर हुआ है दैट इज नॉट बफर मेमोरी अब तुम गूगल में जाकर अपना कैशे डिलीट कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम से वो ऑटोफिल वाला ऑप्शन नहीं आएगा दैट्स बफर मेमोरी यूजलेस है इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला ठीक है फिर भी बता दिया मैं तुमको ठीक है क्लियर हाँ और क्लाइंट सर्वर अरे क्लाइंट सर्वर देखो क्या होता है ना व्हेन आई इफ आई गेट टाइम टू टीच यू नेटवर्किंग उसमें तुम लोग देखोगे एक सेकंड हाँ जब तुम लोगों को मैं नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा अगर पढ़ाया तो यू विल सी दैट एक होता है क्लाइंट सर्वर एक ठीक है एक होता है क्लाइंट सर्वर ठीक है क्लाइंट सर्वर का काम क्या होता है क्लाइंट सर्वर का ये काम होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है ना दिस इज सपोज द सर्विस प्रोवाइडर तो मान लो फॉर एग्जांपल यू आर ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज टू द सर्विस प्रोवाइडर तो जैसे ही तुम सर्विस प्रोवाइडर को मैसेज भेजोगे तो फर्स्ट इट विल नोटिफाई द सर्विस प्रोवाइडर कि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू सेंड यू मैसेज फ्रॉम दिस पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस ठीक है इस आईपी एड्रेस से तुम्हारे पास एक मैसेज कोई भेजना चाहता है तो अगर ये साइड मतलब अगर सर्वर अप्रूव करता है कि हाँ भेज दो तभी क्लाइंट उसको मैसेज भेज पाएगा ठीक है अगर तुम ई कॉमर्स के साइट पे जाते हो तो Amazon इंडिया इज द सर्वर एंड द पर्सन हु इज ट्राइंग टू यूज और मैसेज और डू एनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन विद द सर्विस साइड ठीक है और द सर्वर साइड देन वी कॉल इट क्लाइंट क्लाइंट क्या करता है एक सर्वर का परमिशन लेके उसके फैसिलिटीज को यूज करता है और उससे कम्युनिकेट करता है ठीक है यस भैया क्लियर है ना यस भैया ये बफरिंग भी सेम है क्या बफर की तरह क्या बफरिंग भी बफर की तरह वही चीज है क्या बफरिंग और बफर दोनों सेम है समझ में नहीं आ रहा यार तुम्हारा वॉइस कट रहा है पता चल जाएगा बफरिंग इज समथिंग डिफरेंट बफरिंग इज लोडिंग ठीक है बता रहे थे एप्लीकेशन कह सकते हो क्योंकि देखो इनडायरेक्टली तुम ही सोचो अगर तुम बफरिंग कर रहे हो ठीक है ये राउंड राउंड घूम रहा है यूट्यूब
तो ये भी क्या कर रहा है ना, अपना जो मतलब लोकल एरिया, मतलब इसका भी जहां पे डेटा स्टोर होगा वहां से ये क्या कर रहा है, उस मेमोरी से ये डेटा प्रोसेस करके फेच करने की कोशिश कर रहा है, ये सर नो, ठीक है ना? तो इसका तो YouTube क्या करता है, अपने लोकल एरिया मतलब लोकल क्या बोलते हैं उसको यार, हाँ लोकल मेमोरी से ये डेटा वहां पे अवेलेबल अगर है, ठीक है, तो उसको प्रोसेस करने की कोशिश करता है। तो यू कैन कनेक्ट इट विद बफर, मेमोरी से बफरिंग, यार सर ने गलत नहीं बोला, टीचर लोग कभी गलत नहीं बोलते, ठीक है, ठीक है ना? और कोई डाउट दिक्कत कुछ भी है? ये जब तुम ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ोगे नेटवर्किंग का तब तुमको समझ में आएगा कि मैंने ये क्या बोला, ठीक है? चलो बाय देन, मैं नोट्स भेज दूंगा, तुम लोग वहां से कलेक्ट कर लेना ग्रुप में, ठीक है? कल से रेगुलर क्लास करेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? बाय।